आज आईपीएस कॉलेज में गेस्ट लेक्चर का आयोजन और विद्यार्थियों के इन्वेस्टमेंट से संबंधित जानकारी प्रोवाइड की गई डॉक्टर विनीत वर्मा के द्वारा। देखते हैं विद्यार्थियों किस तरीके से इस सारे सेमिनार का रिव्यू कैसा रहा। आज विनीत सर के थ्रू हमारा काफ़ी अच्छा सेशन रहा, उसमें सर ने हमें काफ़ी सारी चीज़ें इन्वेस्टमेंट से म्यूचुअल फंड से जुड़ी बताई, जिसमें जैसे कि कई इन्वेस्टमेंट में रिस्क होता है लेकिन किस तरह से रिस्क को मैनेजमेंट करें, किस तरह से हम सेविंग और इन्वेस्टमेंट में डिफ्रेंशिएट करें, एज के अकॉर्डिंग कि आपकी एज 60 है 30 है तो आपको किस तरह से इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, उसका क्राइटेरिया, वो सभी सर ने हमें काफ़ी अच्छे से बताया और अभी हमने उनसे डिस्कशन भी किए तो वो काफ़ी अच्छा हमें नॉलेज मिला। आज का हमारा बहुत ही अच्छा सेशन रहा था विनीत सर के थ्रू और उन्होंने हमें सेवी की तरफ से आए थे जो कि गाइडलाइन दिए हैं, एनएससी और बीएससी के बारे में बताया उन्होंने और उन्होंने बताया हाउ टू इन्वेस्ट, हाउ टू कंपाउंड और म्यूचुअल फंड्स बॉन्ड्स के बारे में कितना परसेंट रिटर्न्स मिल सकता है और आपकी एज के अकॉर्डिंग आप अभी से अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप आगे जाके बहुत अच्छा रिटर्न्स पा सकते हैं और जिसमें आपको समझ आना चाहिए सारी चीज़ें क्योंकि अभी न्यू जनरेशन को इन्वेस्टिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता है। तो उन्होंने बहुत ही अच्छा आपको बताया कि इन्वेस्ट कहाँ करें, कैसे करें और कैसे आगे जाके आप उसका रिटर्न बहुत अच्छा पा सकते हैं। थैंक यू।